देखिए साहब, धान की खेती किस प्रकार होती है। बारिश स्टार्टिंग होते हुए जब धान अपन लाते हैं तो उस बीज को छोटी छोटी क्यारियों में ऐसा अंकुरित करना पड़ता है। अंकुरित करने के बाद जब पगा 1 फीट का हो जाता है तो उसे उस स्थान से निकालकर दूसरे स्थान में परिवर्तन करते हैं। अब उस स्थान में जब परिवर्तन करते हैं तो किस प्रकार काम करते हैं देखिएगा। देखो ये ऐसा भैया पानी बगाते जाते हैं धान का रोप लगाने के लिए। ये हमारे छोटे चाचा है प्रदीप जी सिरोटिया, और ये मंझले वाले चाचा। देखो कैसा कीचल बनाना पड़ता है बैल बखरों के साथ में। ये कीचल बनाने के बाद में पघा लगाया जाता है जिसे धान का रोप बोलते हैं। और ये फसल, धान की जो फसल है लगभग 3 से 3.25 महीने की होती है। रोप को इस प्रकार से तैयार किया जाता है ऐसा, और अभी इस रोप में पानी देने के बाद में इसे निकाला जाएगा बाहर और दूसरी जगह में लगाएंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ उस जगह में जहाँ अपने को स्थाई इस रोप को लगाना है। देखो ये हमारे भाई साहब रोप निकाल रहे हैं प्रथम जगह से। क्या नाम बड़े भैया आपका? मनोज जी। ये मनोज भाई साहब आते हैं लोहारढाना से, गांव का नाम है लोहारढाना, और ये हमारे पोस्ट जो पड़ता है रानीपुर, पोस्ट रानीपुर, थाना रानीपुर, वहाँ से आते हैं भाई साहब। लगभग हीरावाड़ी हमारे गांव से 3 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से, तो भाई लोगों को हमको लेने भी जाना पड़ता है। ये देखो इस प्रकार लगता है पगा धान का रोपा। एक एक पौधा लगाना पड़ता है हर 4 इंच की दूरी पे। शायद आपको अभी अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है, ये देखिए ये अभी लग चुका है हमारा रोप। ये पहले खेत में पानी बगाकर बैल और हल बखर से कीचल बनाना पड़ता है, उसके बाद में इस टाइप से रोप प्रथम जगह से उखाड़ के 4-4 इंच की दूरी पे ऐसा लगाया जाता है। ये हमारे भाई साहब लगा रहे हैं अभी। एक एक पौधा अलग अलग लगता है। क्या नाम भैया आपका? रामू जी है रानीपुर के हमारे। रानीपुर हमारे गांव से भैया 3 किलोमीटर की दूरी पर है। चार चार इंच की दूरी पर लगता है एक एक पौधा भैया धान का।